वीकेंड का बाहर सबसे स्कैरी समय होता है कंटेस्टेंट्स के लिए। लोगों के लिए बाहर बैठ के जज करना बड़ा आसान है। टॉप फाइव में आएगा लेकिन मेरे लिए वो नहीं है टॉप फाइव। मुझे लगता है कि करण और अच्छा गेम खेल सकता था। नेहा मैम, ऑलवेज गुड टू सी यू। और आप फिर से बिग बॉस के घर पे अंदर स्पॉट हुए, सो क्या कहना चाहोगे? आज बिग बॉस के वीकेंड का वार भी शूट होने वाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि वीकेंड के बारे में मैं आज बाहर हूँ, अंदर नहीं हूँ क्योंकि वीकेंड का वार सबसे स्कैरी समय होता है कंटेस्टेंट्स के लिए, जहाँ पे सलमान सर बताते हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। बट मैं एक्साइटेड हूँ, आज मैं शमिता को सपोर्ट करने आई हूँ। शमिता मेरा एक बहुत ही खास रिश्ता रहा है बिग बॉस OTT के दिनों से, बिग बॉस 15 में भी। आई थिंक मैंने बिग बॉस में आके सबसे ज़्यादा दोस्तियाँ कमाई हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ उसके लिए। एंड मैं सबसे ज़्यादा प्राउड हूँ कि शमिता ने बहुत अच्छा किया है, बिकॉज बिग बॉस में डिग्निटी से खेलना जो है वो सबसे मुश्किल होता है। हम हमेशा देखते हैं कि दोस्तों के ऊपर बैक स्टैबिंग हो रही है और मैन्युपुलेशन हो रही है, बट मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रेट प्लेयर है शमिता, बहुत डिग्निफाइड है। एंड आई लव हर, सो आई एम हियर टू सपोर्ट हर एंड आई थिंक दैट शी शुड विन। ओके, सो बिग बॉस OTT में आप थे, बिग बॉस 15 में भी आप रह चुके हो, सो ये दोनों जर्नी आप कैसे डिफाइन करते हो? देखिए, मेरे लिए बिग बॉस OTT जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी, क्योंकि वो मतलब इट वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। और बिग बॉस 15 की जर्नी मेरे लिए कुछ अलग थी, बिकॉज ये गेम मेरे लिए थोड़ी अलग थी, थोड़ी कट थ्रोट गेम है। मैं इतनी कट थ्रोट नहीं हूँ एज अ पर्सन, मतलब म्यूजिकली हूँ बट गेम के लिए नहीं हूँ। बट दोनों जर्नी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे थे, वहाँ पे कुछ लोग अच्छे थे कुछ नहीं थे बट जर्नी दोनों बहुत अच्छी थी। लेट मी टेल यू कि बिग बॉस में कपल बनना आसान नहीं है। लोगों के लिए बाहर बैठ के जज करना बड़ा आसान है, और मुझे पता है कि मैं अंदर कोई भी रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। एंड आई जस्ट होप दैट व्हेन दे कम आउट, वेदर दे स्टे अ कपल और नॉट, उनके बीच में कोई टॉक्सिसिटी ना हो, क्योंकि बिग बॉस के रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल है। ओके, सो मैं बिग बॉस OTT प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो अभी भी अंदर है, शमिता इज देयर, निशांत इज देयर, प्रतीक इज देयर, सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज प्लेइंग द बेस्ट गेम राइट नाउ? देखिए, तीनों अपनी गेम बहुत अच्छी खेल रहे हैं। लाइक आई टोल्ड यू, मैं हमेशा से शमिता की सपोर्टर ज़्यादा रही हूँ, बट निशांत भी बहुत ही हार्ड वर्किंग है। निशांत और प्रतीक का ड्रीम रहा है हमेशा से बिग बॉस जीतना, तो दोनों ने अपनी शिद्दत बहुत अच्छी थी। मतलब आप सोचिए कि OTT के तीन, हम पांच गए थे अंदर और तीन अभी भी हैं, और वो वहाँ पे भी टॉप फाइव में थे, यहाँ पे भी मुझे लगता है टॉप फाइव में जाएंगे तीनों। सो आई डेफिनेटली फील दे आर द बेस्ट, ऑल थ्री ऑफ देम आर द बेस्ट प्लेयर्स इनसाइड। ओके, सो टॉप थ्री में और एज अ विनर किसको देखते हो? एज अ विनर तो मैं शमिता को देखती हूँ। मैं आपको टॉप फाइव अपने बता सकती हूँ। मेरे लिए टॉप फाइव निशांत, उमर, प्रतीक, शमिता एंड तेजा। आपने करण का नाम नहीं लिया, बिग थिंग। करण टॉप फाइव में आएगा लेकिन मेरे लिए वो नहीं है टॉप फाइव। मुझे लगता है कि करण और अच्छा गेम खेल सकता था, करण में पोटेंशियल और ज्यादा थी, बट आई फील कि इन सब का कंट्रीब्यूशन करण से थोड़ा ज्यादा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।